यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कासगंज हिंसा को आज 100 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। छुटपुट घटनाएं अभी हुई हैं, हालांकि आज बाजार खुले थोड़ी रौनक जरूर नजर आई है कासगंज में, लेकिन जिस तरीके से वहां का रहन सहन और बाकी चीज़ें होनी चाहिए थी वो सारी सिचुएशन अभी नॉर्मल उतनी नहीं है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कुछ हुआ है तो इतनी जल्दी होगी भी नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर ये सवाल ज़रूर है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, और जो लोग हुड़दंग मचाए उसके बाद या उस वक्त, उन लोगों की गिरफ्तारी का क्या, उनकी पहचान का क्या, जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है क्या उनमें से कोई आरोपी है, क्या कुछ उनमें जो है निकलकर सामने आया है, वो भी अभी तक पुलिस प्रशासन साफ नहीं कर पाया है। और दूसरी जो सरकार की भूमिका है, सरकार की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है और यूपी में जितनी सरकारें पिछली रही हैं उसी तरीके से इस दंगे को भी ट्रीट किया गया है। जैसे पिछले दंगों को जिन सरकारों ने ट्रीट किया, लगभग उसी नक्शे कदम पर योगी सरकार भी चली है, जबकि उम्मीद ये थी कि योगी सरकार कम से कम कुछ तो अलग करके दिखाएगी, या जैसे दंगा शुरू हुआ उसके बाद से अगर योगी सरकार सख्त आदेश देती तो पुलिस प्रशासन सख्त हो जाता तो कासगंज का दंगा इतना लंबा ना खींच सकता। लेकिन सेम वही मुजफ्फरनगर दंगा आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उसके चंद दिनों बाद ही उधर महोत्सव मनाया जा रहा था, कुछ मंत्रीगण विदेश घूम रहे थे और अभी इनकी भी विधायकों की तस्वीरें आई हैं, जनाब कैलाश खेर के साथ थे। तो असल में जो पब्लिक को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम जो कर रहे हैं, जिन नेताओं के पीछे या जिन राजनीतिक कारणों की वजह से हम किसी एक विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं, वो दोनों तरफ हैं, दोनों ही लोग उतने ही प्रभावित हैं, कोई किसी की विचारधारा से प्रभावित है, कोई किसी की विचारधारा से प्रभावित है। तो उन विचारधाराओं की लड़ाई में वो राजनेता जो हमें लीड कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा को हम अपने अंदर समेटे हुए इन सब चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो तुम्हारे साथ हैं, इस गम में तुम्हारे साथ हैं, या फिर अच्छे या बुरे में तुम्हारे साथ उसी तरीके से खड़े होते हैं जिस तरीके से आप उनके साथ खड़े हैं? ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, दोनों ही तरफ, दोनों ही लोगों को सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही तरफ एक ही जैसे लोग हैं, कोई एक किसी भी एक को सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता है। आप बताइए, क्या किसी भी तरीके से चंदन की मौत को जस्टिफाई किया जा सकता है, या फिर किसी भी तरीके से जो पीछे दंगे हुए उन सबको जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जिसकी मौत हुई उसके परिवार वालों से कोई पूछे जाके कि क्या किसी भी तरीके से वो इस चीज़ को लेकर या इस दंगे को लेकर वो ये मान लेंगे कि नहीं, हमारे बेटा जो करने गया था तिरंगा यात्रा में, वो गया था घर से, तो क्या तिरंगा यात्रा में ऐसा कुछ हो सकता है कि इतना बड़ा बवाल हो जाए कि उसके बेटे की जान ले ली जाए? हो सकता है कुछ भी हुआ हो वहाँ, चाहे तो आप हुआ जो दूसरा पक्ष है उसकी जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि वो गणतंत्र दिवस वो भी मना रहे थे, ये भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, वहाँ की सिचुएशन जो भी रही हो, लेकिन क्या किसी भी तरीके से चंदन की मौत को जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी फिर से राजनीति हो रही है और उसी राजनीति बीज ने इस दंगे को भी जन्म दिया। आप बताइए कि क्या किसी भी मुस्लिम इलाके में या किसी भी हिंदू इलाके में किसी के जाने का बैन हो सकता है? क्या कोई अगर उधर से निकलेगा तो आप उसका निकलना दुर्भर कर देंगे? क्या किसी को भी भारत माता की जय के नारे से एतराज़ हो सकता है या होना चाहिए? क्या किसी को भी वंदे मातरम से एतराज़ हो सकता है या होना चाहिए? क्या किसी को भी तिरंगे से एतराज़ हो सकता है या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता है। अगर कुछ हुआ है तो ये है हमारा और आपके बीच का मिसकम्युनिकेशन, हमारे आपके बीच जो बातचीत कम होती है उस बातचीत का कम होने का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं और हम दूसरे की बात पर विश्वास करके आग बबूला हो जाते हैं। दोनों ही तरफ यही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हमें फिर से खुद से ही सोचने की ज़रूरत है ना कि हम क्या कर रहे हैं। अब आता है मीडिया का रोल। मीडिया का रोल क्या है, मीडिया क्या दिखाता है, किस तरीके से मीडिया ट्रीट करता है,
जब पहली त्वरित खबर आई कासगंज में, तो पहली त्वरित खबर ये थी कि वहाँ दंगा इसलिए हुआ कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और तिरंगा यात्रा पर जो है पथराव कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। ये पहली खबर थी। उसके बाद धीरे 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 जैसे खबरें आगे बढ़ीं, फिर ये खबर आई कि वो भी गणतंत्र दिवस मना रहे थे, रास्ते में कुर्सियाँ लगी थीं, वहाँ से निकलने की ज़िद पर ये सब कुछ हुआ। और वहाँ जहाँ ये पहली बार इतना विवाद बढ़ा था, वहाँ ये सब कुछ नहीं हुआ। उससे 2-2.5 किलोमीटर दूर जाके किसी चौक पे इतना बवाल खड़ा हुआ जहाँ चंदन की मौत हुई है। तो उसको अब मीडिया ने शुरुआत में इस तरीके से उठाया, और दूसरी तरफ एक मीडिया फिर दूसरे दिन की जो खबरें आईं, दूसरे दिन खबरें सिर्फ इस पर चली गईं कि वहाँ तो गणतंत्र दिवस की जो है गणतंत्र दिवस समारोह था और ये लोग तो भगवा झंडे लेकर वहाँ पहुँचे थे। दूसरे दिन बहस भगवा झंडे पर हो रही थी, मतलब कोई भी ये नहीं बता रहा था कि हाँ दोनों एक ही तरीके से एक ही वजह से वहाँ इकट्ठा हुए थे और मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि जो पीछे तिरंगा यात्रा थी वो बहुत लंबी चौड़ी थी और पीछे से लोग अलग तरीके से समझ बैठे कि आगे कुछ और हो रहा है। वो सारी चीज़ किसी ने नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि हाँ नहीं, या तो भगवा झंडा था या फिर वहाँ जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से लोग नाराज हो गए। दोनों ही तरीके से जो एक मीडिया जो ग्रुप में बंट गया है, एक वो मीडिया जो सरकार के बिल्कुल साथ खड़ा है हर काम में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो वो सरकार के साथ खड़ा दिखता है। एक वो मीडिया है जो अच्छा हो या बुरा हो काम, लेकिन वो सरकार के अगेंस्ट ही खड़ा है। तो जो काम मीडिया का है शायद वो भी सही से नहीं कर रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सोचने की ज़रूरत तो है। हम और आप ही टीवी देखते हैं, आप लोग टीवी देखते हैं, टीआरपी कहाँ से आती है, टीआरपी का ही सारा खेल है। अगर हमें आपको पसंद है ऐसे तो शायद वो लोग चला रहे हो, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कासगंज में अगर ये सब हुआ है तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? जितना ज़िम्मेदार राजनेता है उतना ज़िम्मेदार टीवी भी तो नज़र आता है, जितना ज़िम्मेदार टीवी है उतना ज़िम्मेदार हम भी हैं। हम क्या कर रहे हैं उसमें? हमने भी अब इधर से मारा उधर से मारा, दोनों तरफ से वही चल रहा है। हर दंगे की यही कहानी है, हर दंगे में यही सब कुछ होता है। तो ये सोचिए कि अगर हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर इतनी नफ़रत आ कहाँ से रही है? हम क्यों इतनी नफरत एक दूसरे से कर रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है इस हिंदुस्तान में कि मैन टू मैन कभी हिंदू मुसलमान के जो रिलेशन है वो ख़राब हुए हों? कभी नहीं होते। जहाँ भीड़ आती है तो हिंदू मुसलमान के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? ये सोचने की ज़रूरत है, ऐसा क्यों है कि भीड़ में जाकर हमारे रिलेशन इतने ख़राब हो जाते हैं? जब हम आमने सामने से एक एक करके मिलते तब तो कभी रिलेशन ख़राब नहीं होते। कितने हिंदू हैं जो मुसलमानों के बीच रह रहे हैं, कितने मुसलमान हैं जो हिंदुओं के बीच रह रहे हैं, उनको कितना खतरा हो गया? अगर ऐसा ही होता कि हिंदू बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं मुसलमानों से, या मुसलमान बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है एक दूसरे से, तो वो तो आपस में मार काट कर देते सामने से। लेकिन कभी नहीं होता, हमेशा चीज़ें भीड़ में ही होती हैं ताकि आपकी पहचान ना हो सके। तो वो भीड़ में कौन करता है? ये तो पहचान करना ज़रूरी है, और ये काम है पुलिस प्रशासन का, पहचान करके बताए कि इसने किया और किस लिए किया। ये काम पुलिस प्रशासन का ही है ना, तो करके बताए एक बार। लेकिन पुलिस प्रशासन कभी ये सब क्लियर नहीं कर पाता। जिस तरीके से आप गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि जो बस पर हमला करने वाले थे वो मुसलमान नहीं थे, जो एक जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि मुसलमानों ने हमला किया और राजपूतों पे लगा दिया इल्ज़ाम, तो गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ना कि वो नहीं थे। ठीक उसी तरीके से कासगंज पुलिस को भी साफ करना चाहिए कि इस सब में कौन शामिल था। जो मुख्य आरोपी है वो क्यों अभी तक बाहर है? उसके घर से तो बंदूक भी मिली है, और उस बंदूक के साथ आपने देखा होगा तस्वीरों में किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रही थी पुलिस, खेल रही थी उसके साथ। मतलब मानो कि ये कोई सबूत नहीं है, बस ये तो अब ना फिंगरप्रिंट का कोई ख्याल है ना कुछ है, सब पकड़ रहे हैं उसे। तो उसके पुलिस किस तरीके से शुरुआती कार्रवाई कर रही है और की है वो सब आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बहुत ज़्यादा है। अभी भी हालात हालांकि सुधरे हैं और उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा सुधरेंगे अभी आगे, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जिन राजनेताओं के लिए वो लोग काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर वो देश के लिए काम कर रहे हैं, या फिर संविधान के प्रति वो ज़्यादा निष्ठावान हैं, राजनेताओं के प्रति,
ज़्यादा निष्ठावान हैं, उनको ये सोचना होगा और हमें भी सोचना होगा। बाकी राजनेताओं का क्या, उनको तो राजनीति करनी है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।